वर्ल्ड, वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग एंड हमारे सेकेंड एपिसोड में जो कि हमारे कॉलेज का बनने वाला है। तो कॉलेज का नाम तो आपने देख ही लिया है, पूनम चंद। ये मेरा पहला कॉलेज था, तो चलिए इस कॉलेज के बारे में मैं आपको बात बताता हूँ। तो ये मेरा पहला कॉलेज तो था, प्राइवेट कॉलेज है ये, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, मैंने जो कंप्यूटर सीखा था वो यहीं से सीखा था, और इतने सालों में यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया। जो आप पार्क देख रहे हो, ऐसा कुछ पार्क नहीं था उस टाइम पे, और कॉलेज की बिल्डिंग भी थोड़ी सी एक फ्लोर ऊपर उड़ गई है जो कि उस टाइम पे नहीं थी। तो चलिए थोड़ा सा कॉलेज देख लिया जाए, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए कुछ। वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही साल पढ़ा था, फर्स्ट ईयर यहाँ पे किया था मैंने, तो इतना कुछ यादें जो है वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो चुकी है मेरी। तो जो आपको बता दूँ, ये अपनी कैंटीन थी, यहाँ पे कैंटीन में हम बैठा करते थे, खाना पीना ये सब यहीं पे चलता था। उसके बाद में ये पार्क ऐसा नहीं था, यहाँ पे पूरी घास जैसी थी, लेकिन जो ये पेड़ पौधे थे ये सब नहीं थे यहाँ पे। और ये पेड़ पौधों की कोई यादें है नहीं हमारी, क्योंकि ये थे नहीं। लेकिन जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड में हम बैठा करते थे, यहाँ पे कुछ भी गेम होते थे वो खेलते थे, जो भी अपने प्रोग्राम्स होते थे वो यहाँ पे होते थे। पुराना वो एक स्टेज जैसा बना हुआ है, वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम होता था। लेकिन फिर भी मुझे अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मतलब पुरानी यादें धीरे 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 ताज़ा हो रही है। तो मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर कंप्यूटर की लैब होती थी ऊपर। पता नहीं हमें अंदर जाने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से कॉलेज बंद है, तो वो आपको दिखा नहीं सकता। अगर देखे तो टेक्निकली मैंने कंप्यूटर चलाना यहीं पे सीखा था, यहाँ की लैब जो है उसके जो रेगुलर पीरियड्स होते थे वो लगते थे, तो वहीं पे मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो थैंक्स टू दिस कॉलेज एंड टीचर्स भी बहुत अच्छे थे यहाँ के। कुछ टीचर्स के मुझे नाम अभी भी याद है, मतलब इतने सालों बाद भी उनका नाम याद है, तो उन्होंने कितना अच्छे से सिखाया होगा। तो थैंक यू सर, अगर आप देख रहे हो तो आई होप आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आप ये देखें सब। और यहाँ पे हमारी पार्किंग की वो गाड़ी खड़ी होती थी, जब जो मेरी पहली बाइक थी वो मैंने यहीं पे ली थी, मतलब इस कॉलेज के लिए ली थी, क्योंकि अपने घर से 6-7 किलोमीटर था। तो यहाँ पे पार्किंग की जगह थी, वो अब चेंज हो चुकी है। देखा जाए तो पूरा बाहर का जितना भी एरिया है वो सब चेंज होके अभी पार्किंग वहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे पार्क बना दिया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे टाइम पे यार ये सब नहीं था, आई मिस इट। बहुत कुछ चेंज हो चुका है यार यहाँ पे, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जो आपको स्कूल भी बताई थी, स्कूल में भी सब कुछ चेंज हो चुका था, कॉलेज आए हैं यहाँ पे भी चेंज है, तो वक्त के साथ चेंज होता भी है। तो जो मैंने आपको लाइब्रेरी बताई थी वो यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे जा चुकी है, जो कि वहाँ पे एकदम टॉप पे यार, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। काश मुझे वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन खैर अभी वो बंद है कोविड की वजह से। तो दिखने में मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मुझे लगता है ये खिड़की है शायद, राइट, जो पढ़ने के टाइम पे खुलती होगी। तो यार बहुत इम्प्रूवमेंट है। और हाँ, जो मैंने आपको कैंटीन की बात बताई थी, कैंटीन भी यहाँ से उठ के वो उधर जा चुकी है, एकदम कांच की स्पेशल होटल जैसे बन चुकी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे दिख रही है, दिखा दो भाई। अरे यार ये खाते थे ना अपन बचपन में, हाँ नहीं इसको खाते थे ना, ये फूल खाने वाले ही है। बहुत मीठे लगते थे, खट्टे मीठे। खट्टे मीठे यार, आई मिस इट कि मेरे टाइम पे ये पार्क नहीं था। चलिए तो जो हमने एक साल की यहाँ पे पढ़ाई की थी वो हमारे आज भी काम आ रही है। अब हमने कॉलेज चेंज कर दिया था सेकेंड ईयर में, क्यों किया था जो वहाँ पे जाके बताएंगे। तो चलिए उधर चलते। तो आ चुके हैं हम अपने दूसरे स्टॉप पे, जो कि है एसएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। हमारा सेकेंड ईयर यहीं पर हुआ था, और चलिए यहाँ के बारे में अब आपको बताता हूँ मैं। तो वैसे तो ये हमारा पहला कॉलेज होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एडमिशन नहीं हो पाया था फर्स्ट ईयर में, कुछ रीज़न की वजह से। अभी वो रीज़न आपको क्या बोलूँ, छोड़ो वो। तो कोई नहीं, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। हमारी एक कंप्यूटर लैब होती थी जो यहाँ पे थी, तो हमने जो पूनम चंद से सीखा था वहाँ पर आके ट्राई किया था हमने। यहाँ की लैब की एक अच्छी चीज़ थी कि आपको एनी टाइम उपलब्ध थी,
कभी भी आऊँ, कभी भी कुछ भी प्रोग्राम करूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं कि एक टाइमिंग था, जैसे वहाँ पे टाइमिंग था, यहाँ पे टाइमिंग नहीं था। यहाँ पे किसी भी टाइम पे आके आप अपनी स्टडी कर सकते थे कंप्यूटर लैब में। तो यहाँ पे मैंने बहुत स्टडी की है कंप्यूटर लैब पे, मतलब जितना भी कंप्यूटर का नॉलेज आया था मुझे वो यहीं पे आके मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। एक तो कॉलेज को आपको दिखाने की बात है तो कॉलेज तो बहुत बड़ा है, मतलब जितना बड़ा पूनम चंद है उससे डबल ट्रिपल है। तो पूरा कॉलेज तो मैं शायद आपको नहीं घुमा पाऊँगा, अगर मेरे पास में ड्रोन होता तो ऊपर से मैं दिखाता आपको कॉलेज का पूरा सीन दिखाता। लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक पार्क था जो कि बहुत चेंज हो चुका है अभी, पहले ग्रिलिंग और ये सब नहीं थी। तो यहाँ पे ग्रिलिंग लग चुकी है और बहुत ही मस्त बन चुका है। अभी कोविड की वजह से थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा होगा कि साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा था। उस टाइम पे भी हम यहीं पे बैठते थे, हमारी यादें जुड़ी हुई है और बहुत टाइम हमने यहीं पे बिताया था। जो सब कुछ दिख रहा है वो सब बंद है यहाँ पे। सो ये जो बनाया ये भी बहुत प्यारा बनाया, हमारे टाइम पे इतना कुछ इतना था नहीं। मैं हर जगह हर चीज़ें मिस कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद में बहुत तरक्की हो गई वैसे, जो कि इसकी मुझे खुशी है बहुत। सो यहाँ पे हमने स्टोरी बहुत की और बहुत सारे दोस्त लोग भी बनाए। तो जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, हम थोड़े से कंजर्वेटिव, थोड़े से शर्मिले टाइप के थे। तो यहाँ पे भी हमारी कोई लड़कियों से दोस्ती नहीं हो पाई थी। और हम जब जैसे जैसे कॉलेज चेंज करते थे, मतलब हर ईयर मैंने एक कॉलेज चेंज किया। पहला साल मैंने पूनम चंद में गुजारा है, सेकेंड ईयर एस एन कॉलेज में, एंड फाइनल ईयर मैंने इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे हम चले गए थे। तो ये भी कॉलेज का पोर्शन है जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती थी और नीचे लाइब्रेरी थी, लेकिन अभी ये लॉक है तो हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। नीचे लाइब्रेरी है और ऊपर कॉलेज की क्लासेज लगती थी। तो खैर अभी हम बैठ के थोड़ी बातचीत करता हूँ कॉलेज के बारे में कि यहाँ पे हमारे साथ में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। और आपको जो फाइनल ईयर हमने इंदौर से किया था गवर्नमेंट कॉलेज से, उसके बारे में भी मैं यहीं पे बातचीत करूँगा, क्योंकि हम इंदौर जा नहीं सकते हैं, आपको पता है कोविड है। तो यहाँ पे हम बड़ी मुश्किल से आए हैं और वो भी सेफ्टी के साथ में। तो वहाँ की बातें हम करेंगे कुछ, मतलब जो भी है कॉलेज की, पूरा ये वाला एपिसोड में मैंने जो बताया था आपको कि यहाँ पे पूरे कॉलेज की बात करूँगा मैं, तो उसी बात पे हम टिके रहेंगे और कहीं पे बैठते आराम से बैठ के बात करेंगे, तो वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ की पुरानी यादों के बारे में बात करूँ तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स यहीं पे बने थे और बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, आज भी है। तो अगर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार आई मिस यू सो मच। सो उसके बाद में कॉलेज के बाद में सब अपने अपने रास्ते पे चले गए, तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको इंट्रोवर्ट का बताया था, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे किसी फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया। और सेकंड चीज़ मुझे यहाँ से जाना था इंदौर, तो क्योंकि मुझे इंदौर में अपना MBA कंप्लीट करना था, तो मैंने सेकेंड ईयर ही सोचा था कि इंदौर जाने के लिए, लेकिन अपनी आदत है ऐसी कि मुझे कोई साथ चाहिए होता है, उस वजह से हम कभी इंदौर जा ही नहीं पाए थे, मतलब सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर हमने यहाँ से किया और यहाँ पे हमने फाइनल कर लिया था कि यार मुझे MBA करना है इंदौर से, क्योंकि हमें एट द एंड मुंबई पहुँचना है। तो मुझे ये था कि मैंने बड़ी सिटी कभी देखी नहीं थी, तो मुझे ये लगा कि फाइनल ईयर अगर मैं इंदौर से करता हूँ तो यार बहुत सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हो जाएगी। मतलब फाइनल ईयर अगर इंदौर से कर लिया मैंने तो एक छोटी सी सिटी से बड़ी सिटी और फिर वहाँ से जो बिग सिटी है, मतलब माया नगरी बोल सकते हो आप, तो वहाँ पे जाके एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, वो मुझे दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने इंदौर में ज़्यादा क्लासेज अटेंड नहीं की क्योंकि वहाँ पर हमारा मेन फोकस MBA का था, बिकॉज मुझे MBA में अच्छे परसेंटेज लाने थे, अच्छे नंबर्स लाने थे, ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल सके मुंबई में, ताकि मेरी मुंबई जाने की लाइन क्लियर हो सके। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने ये वाली जर्नी को, क्योंकि हमारे कैमरामैन भी इधर उधर ढलकने लग गए हैं। तो आ जाओ, तो ये वाले कॉलेज में और क्या था यार, तो ये जो गांधी जी का स्तंभ है ये हमारे टाइम पे नहीं था, अभी कुछ बना है शायद। और हाँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गया, यहाँ के जो सर मैडम थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे ही क्या सभी दोस्तों को सपोर्ट किया था। हम सभी लोग कुछ भी परेशानी होती थी उनके पास में जाते थे, हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। तो उन्हीं की वजह से हमारे परसेंटेज भी अच्छे बने थे, मतलब उन्होंने अच्छा पढ़ाया था यार। तो याद है अभी भी मुझे, और सभी सर मैडम को भी बहुत मिस करता हूँ यार मैं, आप लोगों का आशीर्वाद। और चलिए ये वाले कॉलेज के लिए ख़त्म करते हैं, जो इंदौर की मैं बात कर रहा था वो आगे जाके मैं आपको बताते चलूँगा। इसके बाद में हम इंदौर गए,
इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ था फाइनल ईयर में। और वहाँ पर तो मैं किसी भी सर, मैडम, टीचर, बच्चे तक को नहीं जानता था कि मैं, मेरी क्लास में है कौन कौन। लेकिन बाद में धीरे धीरे दो चार लोगों को, जो मेन मेन सर है जो फॉर्म भरवाते थे, उनको मैं जानने लग गया। और तीन चार दोस्त बने वहाँ पे, जो इतने टाइम तक के लिए नहीं बने थे, उसी टाइम के लिए बने थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड उसके बाद में मैंने वहाँ पे MBA की क्लासेस की थी, जो MBA की क्लासेस में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरी थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव हुई थी कहीं ना कहीं। उसके बाद में बहुत सारी एग्ज़ामें दी MBA की, वो सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर आते रहे। बहुत सारे कॉलेजेस के मुझे कॉल आते रहे, सभी जगह का मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में कुछ जगह मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन सिलेक्शन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ कॉलेजेस है जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जितने भी MBA कॉलेज थे। मतलब एक, मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा किसी भी, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे थे जो अच्छे थे, लेकिन उनकी 10 लाख 12 लाख ऐसी फ़ीस थी। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, जब तक मैंने फैमिली वाले को बताया नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब तो बता ही देना चाहिए, क्योंकि अभी तो यार अब पैसे लगेंगे और घर वाले एजुकेशन लोन लेने का बोल रहे थे, अगर वो मैं ले लेता तो मैं उसी में फंस जाता। फिर मैं, मतलब जो मेरी मर्ज़ी है, मुझे एक्टिंग में जाना है, वो नहीं कर पाता मैं। और तब जाके मैंने फैमिली को बताया कि मुझे मुंबई जाना है, और मैंने कुछ टाइम लिया, एक साल का टाइम लिया, कि एक साल में अगर मेरा कुछ नहीं होता है तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अब यहाँ से अपनी जर्नी ये वाली चालू होती है कि खंडवा से, छोटी सी सिटी से, हम मुंबई कैसे पहुँचे, और ये हम फाइनल वाले व्लॉग में बताने वाले, जो फाइनल वाला एपिसोड आने वाला है 3rd नंबर का, उसमें मैं ये सब कुछ बताऊँगा। मगर उसके लिए आपको पता है कि क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने, तो ही वो एपिसोड में लाऊंगा। और कल से मैं जो, मतलब जो मैंने वर्क किए हुए, मैंने प्रिंट शूट किया हुआ था, जो पहला मेरा प्रिंट शूट था, या पहला मेरा एड था, या पहला मेरा सीरियल था या मूवी थी, उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ कल वाले व्लॉग में। तो इसका 3rd एपिसोड तभी आएगा जब आप सभी लोग इसको कर दोगे, 1000 तक पहुँचा दोगे। जब तक वो नहीं आने वाला, तो तब तक के लिए मैं वेट करूँगा। 3rd एपिसोड बनाने की मुझे भी जल्दी है, लेकिन वो आपको जल्दी होनी चाहिए, आप बताओगे तो ठीक है।